आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक सिंगल फेज डबल कैपेसिटर मोटर के ऊपर है। मतलब आज के इस वीडियो के अंदर हम उस मोटर के ऊपर बात करेंगे जिस मोटर के अंदर हमारे वो होती तो सिंगल फेज की, पर उसके अंदर हमारे दो कैपेसिटर को लगाया जाता है। दोस्तों, ये दो कैपेसिटर किस चीज़ के लिए लगाया जाता है, इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, इससे जुड़ी कई सारी बातें मैं आज के इस वीडियो के अंदर आपके साथ में शेयर करूंगा, जो कि अगर आप कहीं पर इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क कर रहे हैं तो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यह बात कर लेते हैं कि हमारी मोटर के अंदर जिन दो कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है उनका नाम क्या होता है। तो दोस्तों, हमारा नंबर वन कैपेसिटर होता है वो होता है हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर और नंबर दो कैपेसिटर होता है रनिंग कैपेसिटर। अब दोस्तों, आप सभी के मन में इसी के साथ में एक सवाल यह भी आ सकता है कि आखिर हमारे जो घर में जो सीलिंग फैन लग रहे हैं उस सीलिंग फैन के अंदर कौन सा कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है, रनिंग किया जाता है या स्टार्टिंग किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे सीलिंग फैन के अंदर हम बोलते जनरल लैंग्वेज में तो बोलते तो ऐसे है कि सीलिंग फैन को स्टार्टिंग के समय उपयोग लेने के लिए हम स्टार्टिंग कैपेसिटर का उपयोग करते हैं, हम जनरली ऐसे बोलते हैं। पर सीलिंग फैन के अंदर जो कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, वो होता है हमारा परमानेंट कैपेसिटर। तो आगे से आप इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे इंटरव्यू के अंदर इसके बारे में पूछे तो आप सीलिंग फैन के अंदर हमेशा बोलेंगे कि परमानेंट कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जो परमानेंट कैपेसिटर होता है वो हमारी मोटर को स्टार्ट करने में भी काम में आता है और साथ साथ मोटर को कंटिन्यू रन कराने मतलब कंटिन्यू घुमाने में भी काम आता है। पर अगर हम स्टार्टिंग कैपेसिटर की बात करें, जो कि अभी हमने बात करी कि एक मोटर है उसके अंदर दो कैपेसिटर लग रहे हैं जिसमें से एक लग रहा है स्टार्टिंग और एक लग रहा है रनिंग, तो इसमें अगर हम स्टार्टिंग कैपेसिटर की बात करें तो यह सिर्फ हमारी मोटर को एक बार स्टार्ट करने के लिए काम आएगा। मतलब एक बार हमारी मोटर थोड़ी सी घूम जाए उसके बाद में हम खुद इस स्टार्टिंग कैपेसिटर को हमारे सर्किट से हटा देते हैं। आपके सर्किट की वायरिंग में से स्टार्टिंग कैपेसिटर को हटा भी दोगे तो भी आपकी जो मोटर है वो मोटर कंटिन्यू घूमती रहेगी। और सेकंड होता है दोस्तों हमारा रनिंग कैपेसिटर। ये जो रनिंग कैपेसिटर होता है, ये रनिंग कैपेसिटर का काम हमारी जब तक मोटर कंटिन्यू घूम रही है तब तक हमारा इसका काम होएगा। मतलब एक और आसान शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हो कि कभी भी आप किसी मोटर को, एक हमारी ये मोटर है, ये हमारी मोटर घूम रही है और अगर इसका रनिंग कैपेसिटर खराब हो जाता है, मैं इसको निकाल लेता हूं, तो ये मेरी मोटर उसी समय बंद हो जाएगी। पर अगर मैं स्टार्टिंग कैपेसिटर को निकाल देता हूं या ये खराब हो जाता है तो हमारी मोटर फिर भी घूमती रहेगी। इसके साथ साथ दोस्तों, एक और बात का यह भी ध्यान रखिए कि बिना मैं स्टार्टिंग कैपेसिटर की मदद से मैं मेरी जो डबल कैपेसिटर वाली मोटर है उसको स्टार्ट कर सकता हूं। मैं कैसे कर सकता हूं? जो स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम क्या होता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम होता है हमारी जो मोटर होती है उस मोटर को सिर्फ एक बार के लिए मूवमेंट कराना, मतलब एक बार के लिए धक्का लगाना, घुमा देना। अगर वो घुमा देता है फिर उसके बाद में उसका कोई भी काम नहीं है। तो अगर मैं ये जो स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो काम है घुमाने का, सिर्फ एक बार रोटेट कराने का, अगर वो काम मैं खुद के अपने हाथों से या किसी भी दूसरी चीज़ों से मैं खुद कर दूं तो मेरे को स्टार्टिंग कैपेसिटर की जरूरत ही नहीं है। इस मोटर के अंदर मैं स्टार्टिंग कैपेसिटर ना लगाऊं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर अगर मैं डबल कैपेसिटर वाली मोटर के अंदर रनिंग कैपेसिटर को नहीं लगाता तो मेरी मोटर बिल्कुल भी चलेगी ही नहीं। तो यह पॉइंट आपके प्रैक्टिकल लाइन में और भविष्य में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। अब दोस्तों, इन सभी के बाद में हमारी जो सिंगल फेज डबल कैपेसिटर वाली मोटर होती है इसके आखिरकार कनेक्शन कैसे किए जाते हैं वो हम जान लेते हैं। हम सभी को देखने और सुनने में ऐसा लगता है कि इसके जो कनेक्शन है वो कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके जो कनेक्शन है काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो कैसे किए जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है हमारी जितनी भी सिंगल फेज की मोटर होती है उस सिंगल फेज की मोटर से हमको चार वायर मिल जाते हैं। अभी चार वायर किस चीज़ के होते हैं हम सभी को पता है, इसके अंदर दो वाइंडिंग हो है तो दो वाइंडिंग के लिए इसके अंदर चार वायर हो जाते हैं। तो ये हमारी नंबर वन वाइंडिंग और ये हो गई हमारी नंबर टू वाइंडिंग। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारी पहली स्टार्टिंग और दूसरी रनिंग, इन दोनों वाइंडिंग का किसी भी एक सिरा, या तो मैं इधर के दोनों या इधर के दोनों, किसी भी एक सिरे को आपस में शॉर्ट कर देता हूं। तो मैंने इधर से इन दोनों को आपस में ज्वाइंट कर दिया और मैंने इधर से कोई भी सप्लाई दे दिया, न्यूट्रल या फिर फेज, ये आपके ऊपर आप कुछ भी दे सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हमको इसके कनेक्शन करना है डबल कैपेसिटर वाली मोटर के, तो इसके कनेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, दो पॉइंट जो बच गए इन दोनों पॉइंट में मैं यहाँ पे मेरा जो कैपेसिटर है अब इस कैपेसिटर को ज्वाइंट कर दूंगा। ये जो कैपेसिटर ज्वाइंट करा है, ये कैपेसिटर मैंने कौन सा ज्वाइंट करा है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो कैपेसिटर पैरेलल में जोड़ा है ये है हमारा रनिंग कैपेसिटर। अब ये रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर, इसके आप पहचान कैसे करोगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी पहचान करना भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगर आपको किसी भी मोटर के अंदर दो कैपेसिटर दे दिए जाते हैं कि आपके पास दो कैपेसिटर रखे हुए हैं, अब आप पहचान करो पहले कि रनिंग कैपेसिटर कौन सा है और स्टार्टिंग कैपेसिटर कौन सा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसके लिए आपको सिर्फ आपके जो दोनों कैपेसिटर है उन दोनों कैपेसिटर की वैल्यू को देखना है कि आखिर इस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है और इस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, और इन दोनों में जिस भी कैपेसिटर की वैल्यू कम होती है वो कैपेसिटर हमारा रनिंग का कैपेसिटर होता है। ये बात का ध्यान रखिए, रनिंग का जो कैपेसिटर होता है उसकी जो हमारी वैल्यू होती है वो हमारे स्टार्टिंग कैपेसिटर से बहुत ही ज्यादा कम होती है, या फिर आप बोल सकते हो बिल्कुल आधी ही होती है।
तो आगे से इस बात को ध्यान रख के आप कैपेसिटर की भी पहचान कर सकते हो कि रनिंग कैपेसिटर कौन सा है स्टार्टिंग। तो अभी मैंने यहाँ पे जो कैपेसिटर लगाया वो लगाया मैंने रनिंग पैरेलल के अंदर जोड़ा है इन दोनों तार के साथ में। अभी जो रनिंग कैपेसिटर है इसके जो माइक्रोफेराइड होंगे वो स्टार्टिंग से कम होंगे, तो ये मेरे को पता चल गया। अब दोस्तों इसके बाद में मेरे को एक और कैपेसिटर को जोड़ना है, वो है स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो अभी स्टार्टिंग कैपेसिटर कैसे जोड़ा जाएगा, तो दोस्तों वापस से मेरे को क्या है पैरेलल में ही इसके एक और कैपेसिटर को जोड़ देना है। तो अब मेरा जो कैपेसिटर है मैंने यहाँ पे जोड़ दिया स्टार्टिंग कैपेसिटर। पर दोस्तों जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है इन दोनों स्टार्टिंग कैपेसिटर के जो आप सभी को पता है कैपेसिटर के हमारे दो पॉइंट निकले होते हैं, ये दो पॉइंट निकले, तो इन दोनों पॉइंट को मैं ऐसे डायरेक्ट इस रनिंग की तरह नहीं जोड़ सकता, इस तरह पैरेलल नहीं जोड़ सकता, इसके बीच में मेरे को एक स्विच को लगाना पड़ता है। आप सभी ने सुना हमारी जो सबमर्सिबल मोटर होती है जो डबल कैपेसिटर वाली मोटर है, इसके अलावा हमारी जो चक्की की मोटर है उसके अंदर हमारे एक क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। वो जो क्लच होता है वो एक तरह के स्विच की तरह काम करता है। वो स्विच की तरह कैसे काम करता है, जब हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है तो वो हमारा जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है इस स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट से हटा देता है। अगर आप क्लच का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप उसकी जगह हमारे रिले का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारी कहलाती है स्टार्टिंग रिले। आप अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ एक एनसी स्विच को लगा दिया जाता है और जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है इस स्टार्टिंग कैपेसिटर को जो सप्लाई दी जाती है यहाँ पे इसको जो जोड़ा जाता है वो हमारे एनसी स्विच के साथ में जोड़ा जाता है। और यह जो स्विच और रिले जो होती है ये हमारे सिर्फ स्टार्टिंग में हमारे इस कैपेसिटर को सर्किट में रखती है, बाद में इसको यहाँ से हटा देती है। तो दोस्तों बस इसी तरीके से हमारे इसके कनेक्शन किए जाते हैं, बस इसके अंदर हमने न्यूट्रल यहाँ पे दे दिया। अब फेस कहाँ देंगे, तो फेस आप इस जगह दे देंगे, यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है इस पॉइंट पे हमारे जो दो वायर निकले हुए इन दोनों में से किसी भी एक जगह पे आप फेस दे देंगे। तो हमारा फेस देते ही हमारी जो मोटर है इस मोटर के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी तक आपको यह सब तो समझ में आ गया, पर अगर अभी आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि आखिरकार मैं जो कैपेसिटर की वैल्यू है ये कैपेसिटर मैं मेरी मोटर के साथ में कितने का जोड़ूं, कितने का मेरे सर्किट के अंदर लगाऊं, अगर आपके मन में यह भी सवाल आ रहा है कि मैं कितने माइक्रोफेराइड के कैपेसिटर को लगाऊं, तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, आप वहां से वीडियो देख लीजिएगा। उससे आपको तीन चीजें पता चल जाएगी, सबसे पहली चीज स्टार्टिंग कैपेसिटर की वैल्यू कैसे पता चल रहा है, सेकंड चीज रनिंग कैपेसिटर की वैल्यू को कैसे पता करें, और थर्ड पॉइंट आपको परमानेंट कैपेसिटर जो हमारे सीलिंग फैन में लगा होता है उस पे भी हमको कितने का कैपेसिटर लगाना है वो भी आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों इन सभी बातों के बाद में हम मुख्य डिफरेंस स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर के बीच में देख लेते हैं कि आखिर स्टार्टिंग कैपेसिटर क्या होता है, इसका क्या काम होता है, और रनिंग कैपेसिटर क्या होता है और इसका क्या काम होता है। तो दोस्तों हमारे जो यह दोनों कैपेसिटर होते हैं इन दोनों कैपेसिटर का काम सिर्फ एक ही होता है, वो होता है हमारा चार्ज द मैग्नेटिक फील्ड। हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड होते ही है जिसके कारण हमारे रोटर को धक्का लगता है और हमारा रोटर घूमता है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उस मैग्नेटिक फील्ड को ये चार्ज करते हैं। पर इसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि हमारा जो रनिंग कैपेसिटर होता है वो हमारा जब तक हमारी मोटर रनिंग कंडीशन में तब तक हमारे मैग्नेटिक फील्ड को चार्ज करने के लिए काम आता है। पर वही अगर हम स्टार्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो स्टार्टिंग कैपेसिटी का भी काम तो सेम ही है, चार्ज द मैग्नेटिक फील्ड, पर आगे क्या लिखा हुआ है ओनली ड्यूरिंग स्टार्टिंग मोटर, मतलब जिस समय हमारी मोटर स्टार्ट होती है सिर्फ उसी समय हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर मैग्नेटिक फील्ड को चार्ज करने का काम करता है। इसके बाद में दोस्तों सेकंड पॉइंट जिसकी मदद से आप इन दोनों के डिफरेंस को भी पता कर सकते हो कि कौन सा रनिंग है कौन सा स्टार्टिंग है, और ये चीज मैंने आपको पहले भी बता दी कि हमारे जो रनिंग कैपेसिटर होता है इसकी वैल्यू हमेशा कम होती है और हमारा जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू हमेशा रनिंग कैपेसिटर से ज्यादा होती है। इसके बाद में दोस्तों तीसरा पॉइंट जो कि अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल में वर्क कर रहे हैं तो आपके काफी ज्यादा काम आएगा। यह तीसरा पॉइंट हमें यह बताता है कि अगर मेरा रनिंग कैपेसिटर खराब हो जाता है तो हमारी जो मोटर है वो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी, उसको मैं चला ही नहीं सकता। पर अगर हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर खराब हो जाता है तो मैं बिना स्टार्टिंग कैपेसिटर को भी मेरी मोटर को चला सकता हूँ। वो कैसे चला सकता हूँ, तो मैंने आपको बताया था कि मैं क्या करूंगा, सिर्फ मोटर को एक बार स्टार्टिंग में एक्सटर्नली पुश दूंगा, मैं एक बार सिर्फ इसके रोटर को घुमा दूंगा और हमारी जो मोटर है वो मोटर फिर बाद में रनिंग कैपेसिटर तो सही है तो हमारी मोटर कंटिन्यू चलती रहेगी। पर अगर मेरा इस समय अब स्टार्टिंग कैपेसिटर सही है पर मेरा रनिंग कैपेसिटर खराब है तो मेरी मोटर चलेगी ही नहीं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी कभी मोटर बिल्कुल नहीं चल रही है तो उस समय हमारे चांस हो सकते हैं कि वहां पर रनिंग कैपेसिटर खराब हो चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए मैंने यही कुछ मुख्य डिफरेंस आपको स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर के बीच में, साथ साथ हमारे इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति आप इलेक्ट्रिकल से जुड़ा था आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।